तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बीएड 2022 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं काउंसलिंग का लिंक जो है आ चुका है, काउंसलिंग का शेड्यूल और काउंसलिंग की गाइडलाइन भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके में रजिस्ट्रेशन नहीं खुला, तो उनकी भी क्या दिक्कत है वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना लॉगिन आईडी करना है, लॉगिन आईडी आपको वही वाला डालना है जिससे आपने स्कोर कार्ड चेक किया था, जिससे आपने एडमिट कार्ड निकाला था। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग अपीयरिंग थे उनके लिए। तो अगर आप भी अपीयरिंग है तो पहले आपको अपना जो है ग्रेजुएशन का डिटेल्स जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। देख सकते हैं मैं जिस कैंडिडेट का चेक कर रहा हूँ उसका जो है अपीयरिंग था, इसलिए वहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं खुल रहा था। तो हमने यहाँ पास आउट किया। पास आउट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ सारी चीजें जो हम भर देते हैं फटाफट। सारी चीजें भरने के बाद हमने रोल नंबर डाल दिया, मार्क्स डाल दिया, जो मार्कशीट थी उसको स्कैन करके अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ नीचे सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको परसेंटेज वगैरह भी आ जाएंगे। तो चलिए सेवन कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक किया, देख सकते हैं हम आगे बढ़ चुके हैं। फिर आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा, आपको इस कैप्चा को डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे पूरा एक बार प्रीव्यू करते हुए सबमिट पे चेक करते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे देख सकते हैं उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है आ गया, और जहाँ पे एडिट फॉर्म आ रहा था वो ऑप्शन जो है हाइड हो चुका है। तो हम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अभी तक यहाँ पे केवल जो है आपको तीन ऑप्शन दिख रहे थे, अब आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिखने लगा। और जब पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद आपको जो है बाकी चीज़ें भी दिखने लगी। इसमें जो दे रहा है कार्ड की लिमिट आपकी कम से कम 50,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। तो जैसे हम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे आपका राउंड दिख जाएगा, किस राउंड में आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको आपके जो है बैंक की जो पासबुक है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, या तो आपको एक कैंसिल चेक जो स्कैन करके लगानी है, या तो पासबुक लगाइए या तो कैंसिल चेक लगाइए। तो यहाँ पे मैं जो अपने सारा बैंक का डिटेल्स जो है डाल देता हूँ, ताकि अगर रिफंड आए, अगर मुझे कॉलेज नहीं मिलता है तो 5,000 रुपये का रिफंड है वो जो है उसी अकाउंट में आएगा, लेकिन जो 650 रुपये काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जो है आपकी लैप्स हो जाएगी। तो चलिए मैं अपना जो सारी डिटेल्स डालता हूँ। देख सकते हैं मैंने अपना पूरा कॉलेज का डिटेल्स डाल दिया है, और अब मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ। फीस आप देख सकते हैं टोटल 5,650 रुपये फीस आ रही है। जैसे आगे बढ़ेंगे इसका पेमेंट आप बता दें, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका पेमेंट अपनी नेट बैंकिंग से करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपना खोला, यहाँ पे आपका नेट बैंकिंग खुल चुका है, आपको जिस बैंक में उसमें कर दीजिए। जैसे पेमेंट करूंगा देख सकते हैं पेमेंट के डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए पेमेंट की तारीख आ गई, पेमेंट का ट्रांजेक्शन आईडी आ गया, ऑर्डर आईडी आ गया, अमाउंट आ गया, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। इसका लिंक भी बता दूं आपको सरकारीresult.com और rozgarresult.com पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है लेकिन चॉइस पे लिंक नहीं आ रहा, तो हम इसको एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे। अगर आपको भी नहीं आता है तो लॉग आउट कीजिए, लॉग इन कीजिए। तो देखिए जैसे मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया, यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे और आपको बताएंगे जो है इसकी चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। और साथ ही साथ बता दें इसकी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है वो आपको sarkarresult.com rozgarresult.com पर मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए क्लिक हियर टू फिल योर चॉइस पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जेंडर पूछेगा, और यहाँ पे पूछा है कि आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट था, अगर था तो पहले साल था, दूसरे साल था, या तीनों साल था। अगर आपका तीनों साल था, आपको कई संस्कृत के कॉलेज है वो ऐड हो जाते, तो हमारे में तीनों साल था, हमने उस पर क्लिक कर दिया और आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी के नाम पे क्लिक करेंगे उसके जो भी जो आपके देखेंगे एडेड, तो आपको जो भी कॉलेज डालना हो एडेड कॉलेज की लिस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, यूनिवर्सिटी वाइज आप उसको बदल भी सकते हैं। अब आपको बता दें ऐड करते जाना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको जो भी कॉलेज जो है डालना है उस पर आपको ऐड का बटन है, ऐड करते जाएंगे नीचे जो है आपका कॉलेज आता जाएगा। देख सकते हैं मैंने सारे कॉलेज डाल दिए, डालने पर अगर आपको कोई कॉलेज नहीं पसंद है या ऊपर नीचे करना है तो आप डाल सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। सारे कॉलेज की लिस्ट है उस जो है आपको जो देख सकते हैं, और आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो आप जो है इसको sarkarresult.com और rozgarresult.com से निकाल सकते हैं। सब यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है आपको एक एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, उसके आगे जो है जो कॉलेज का जो लिस्ट नाम है वो आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप सारे कॉलेज डाल लीजिए तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एक आपको लॉक करना है वो अंतिम में करना है, सेव है ड्राफ्ट कर सकते हैं और प्रीव्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।